धन्यवाद साहब अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र उदयपुर, जो राजस्थान से मैं आता हूँ, शून्यकाल में जो महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए मुझे परमिशन दी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उदयपुर संसदीय क्षेत्र में चावन जो महाराणा प्रताप का निर्वाण स्थल है, जहाँ पूर्व में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में उसका विकास हुआ था, द्वार बना था, बगीचे बने थे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उदयपुर में जो राणा प्रताप महाराणा प्रताप के जो जन्म स्थल है कुंभलगढ़, और उनके राज तिलक गोगुंदा, और उनका निर्वाण स्थल लीचावन, ये मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उन सभी जगहों का विकास करने के लिए आप से मैं आपके माध्यम से टूरिज्म मिनिस्टर से मैं डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि उस क्षेत्र के विकास के लिए जहाँ हाड़ी रानी सलूम्बर का भील योद्धा का गढ़ बना हुआ है, इन सभी क्षेत्र का, और केसरिया जी का जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर है, उस स्थान का जहाँ आदिवासी भी उनका अपना आस्था का केंद्र मानते हैं, इन सभी स्थलों का निर्माण के लिए, उनके सभी के विकास के लिए जो भारत सरकार की जो योजना है प्रसाद और दर्शन, इस योजना से जोड़कर उस क्षेत्र का विकास करने के बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। धन्यवाद।